जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस के साथ पीएम मोदी की बैठक कल। बैठक के पहले घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश। नमाज अदा कर घर लौट रहे पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। देशभर में अब तक कोरोना से 3 करोड़ से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 1,168 की मौत। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत 24 जून को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगुवाई में होगी अहम बैठक। जेपी नड्डा करेंगे बैठक का शुभारंभ। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। कर्ज वसूली के लिए SBI विजय माल्या की कंपनियों के बेचे का शेयर। लगभग 6,200 करोड़ की रिकवरी की उम्मीद। व्हाट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। 4 जून के नोटिस पर रोक लगाने से किया इनकार। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर के कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाका। 2 लोगों की मौत, 26 घायल। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट फेरबदल किया रद्द। वही शेयर बाजार में सेंसेक्स हुआ 57,700 के पार। निफ्टी भी हुआ 15,800 के पार। बाजार में आगे भी तेजी आने की उम्मीद। न्यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आज आखिरी दिन। ताजा अपडेट मिलने तक दूसरी पारी में भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा क्रीज पर कायम। और कार्तिक आर्यन की नई फिल्म सत्यनारायण की कथा का मोशन पोस्टर हुआ लॉन्च। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ये फिल्म मेरे दिल के बेहद करीब है।